तीसरे दिन का आखिरी सत्र है। तीन दिन आज हुए जाएंगे 5 बजे के आसपास और 3 दिन और स्टेज रहेंगे हम लोग को साथ साथ यहाँ पर कक्षा में कुछ कार्य करेंगे। एक तरह से आज शाम को मेरे को आधी यात्रा पूरी हो आधी यात्रा को देखें तो इसमें हम लोग जो काम किए हैं अब तक उसमें इस 3 दिनों में देखेंगे तो हम लोगों ने अभी तक जो काम किया है तो उसको एक बार रिकॉल करें तो पहले दिन जो बात हुई थी वो लक्ष्य के बारे में हुई थी और रास्ते के बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी जिंदगी के रास्ते को ही लक्ष्य मान लिया है। एक बात हुई लक्ष्य अगर निश्चित हो गया तो सुखी होना है समृद्ध होना है ये हमारा लक्ष्य है तो रास्ता एक ही होगा या एक से अधिक हो सकता है। एक रास्ते से प्रयास करेंगे पहुंचने का अच्छी बात नहीं पहुंचे जिंदगी पूरे खत्म हो गई दूसरा रास्ता कर लेंगे। एक बात थी दूसरी बात ये थी कि हम लोग भगवान को चाहते हैं सुखी समृद्ध होने का काम सिर्फ सुविधा से हो सकता है या सुविधा सम्मान और समझ तीनों को करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि आप लोग क्या करेंगे ये बात की हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और आपसे अपेक्षा हम माने नहीं बल्कि जांच करके जाने तो मानना क्यों है कि जानना ठीक है जानने के लिए जानने के लिए जांचना भी अपने सहज स्वीकृति के सहज स्वीकृति को पहचानने के 3 दिन लोगों पर बात की थी कि वो हमेशा एक जैसा बना रहता है अलग अलग लोगों के लिए एक ही जैसा रहता है अलग अलग देश के लोगों से भी पूछे तो उनका एक ही जैसा हमने बहुत सारे उदाहरणों के साथ सहज स्वीकृति को सब अभ्यास किया। फिर भी ये सबक के आ जाने के बाद अब अगर अपना अध्ययन करने जाए पूरा अध्ययन करने जाए तो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिंदगी में क्या करना है और दूसरा कैसे करना है। तो क्या करना है सुखी होना है समृद्ध होना है उसके लिए करना है बड़ा ऐसा तो जिंदगी में क्या करना है तो सुखी होना है समृद्ध होना है और उसके लिए करना है। अगला प्रश्न ये होगा कि सुख का क्या मतलब और समृद्धि का क्या मतलब। तो सुख का मतलब ये समझ में आया कि हार्मनी में जीना सुख सह स्वीकृति के भाव में जीना आवश्यकता से अधिक सुविधा को जुटा लेना उत्पादन कर लेना या उसको उपलब्ध कराना ये क्या है समृद्धि। तो समृद्धि में सिर्फ सुविधा से हो जाएगा कि आवश्यकता को फिर पहुंचाना पड़ेगा सुख और समृद्धि को समझा। फिर ये बात समझा कि हम कितने स्तर पर फैल के हुए हैं मानव के रूप में परिवार में समाज में प्रकृति और ये चार ही जगत का प्रभाव मेरे सुख दुख के ऊपर है। इसलिए अगर सुख दुख को सुनिश्चित करने में तो चारों जगह को समझना होगा अपने को भी परिवार की व्यवस्था को भी समाज की व्यवस्था को भी और प्रकृति अस्तित्व की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कहा से किया अपने आप को समझ तो जो कार्यक्रम के द्वारा सुख समृद्धि को सुनिश्चित करने का तो ये था कि जो हमारे जीवन का पूरा फैलाव है हमारे जीने का पूरा क्या
आप क्लासेस सुन नहीं रहे, इसलिए आपसे पूछा। एक और मुझे ऐसा नहीं है, उसको भी एक और करा रही हूँ। देखो भाई, आपको उसका नाम क्या है? परिवार में व्यवस्था को समझना शुरू किया, तो ये बात समझ में आ रहा है कि परिवार व्यवस्था के लिए सिर्फ सुविधाओं को एक दूसरे को देने से परिवार व्यवस्थित नहीं रह सकता। लंबे समय तक भाव का आदान प्रदान भी काम, जैसे आप देखेंगे तो पिताजी बाजार से सामान लेके आते हैं, माता जी घर का भोजन बनाती हैं, सबको शेयर करती हैं, आप लोग भी खाना बनाने में हो सकता है घर में मदद करते हों, खिलाने में मदद करते हों, अन्य कामों में भी मदद करते होंगे, तो ये सारे काम देखेंगे तो सुविधाओं के साथ हो रहा, तो मिलजुल करके सुविधाओं को शेयर करना, उस पर काम करना परिवार व्यवस्था के लिए आवश्यक तो है, लेकिन पूरा नहीं बने। पूरा करने के लिए भाव को भी समझना और भाव को भी एक दूसरे से व्यक्त करना जरूरी है। अगर एक दूसरे का सम्मान नहीं हो रहा है, इतना भी सुविधा लेने के लिए दुख बना रहता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं बन रहा है, तो हम एक दूसरे पर अगर विश्वास ही नहीं बन रहा चाहने पर तो गुस्सा आएगा, प्राण चीखेगा, चिल्लाएगा, सामने वाला जो चाहने पर विश्वास नहीं कर रहा उसको भी गुस्सा आएगा, वो भी चीखेगा चिल्लाएगा, तो घर में आगे के घेर तो सरकार है दो बार चार बार एक दूसरे पर चीखना चिल्लाना होता है, इससे परिवार व्यवस्थित होता है या परिवार व्यवस्था बिगड़ती है। ठीक है, देखिए क्या करना पड़ेगा, भाव को समझना पड़ेगा, तो भाव को समझने का काम हम लोगों ने ब्रेक से पहले शुरू किया, विश्वास के भाव को समझने का काम। तो ये बात स्पष्ट होगा कि आश्वस्त होना क्या, आश्वस्त होना कि दूसरा मेरे सुख समृद्धि के अर्थ है, जिस जिसके बारे में हम ये आश्वस्त हो पाते हैं कि वो हमारी सुख समृद्धि को चाहता है, हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास। अगर निरंतरता में इस बात की आश्वस्ति रहती है कि हर स्थिति में वो हमारा सुख समृद्धि चाहता है, हम निरंतरता में विश्वास करते हैं। योग्यता होती है, परिस्थिति साथ देती है तो कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते।
हम नहीं भी कर पाते हैं तो हमारे जाने पर स्पष्टता रहती है कि हम कर नहीं पाए, चाहते तो है ही, इसलिए हम सबका पक्ष आते हैं। लेकिन जो सामने वाला घर का सदस्य है या दोस्त है वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, वो भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपको सुखी करना चाहते हैं, समृद्ध करना चाहते हैं। कई बार वैसा तो कर पाते, कई बार नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाते तो आपको ये थोड़ी लगता है कि ये उनकी योग्यता के कारण है, इसकी वजह आप उनकी चाहने पर शंका करने लगते हैं, जबकि समस्या कहां से होगी? शंका आप चाहने पर करते हैं। अगर एक बार चाहने पर शंका हो जाए तो इन चारों में से क्या हमें लगता है? गुस्सा आने लगता है, जोर आने लगता है, गुलाब होने लगती है। सामने वाला भी अगर आपकी चाहने पर शंका करता, सामने वाला भी अरे आपके चाहने पर शंका करता है तो उसकी क्या चर्चा है? उसको गुस्सा आता है, उसको भूल आता है, वो भूल आता है। तो आप घर में कई लोगों को देखते होंगे जो आप पे गुस्सा करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आप पर भुलाते हैं। ये सब किस बात के संकेत है कि उस समय वो आपके जाने पे सजा, उस समय जरूरी नहीं कि आप ऐसा करते, जिस समय उनको गुस्सा आ रहा आपके ऊपर, झुला रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं, उस समय उनके अंदर आपके जाने पर सजा है, बाकी उससे पहले था और उसके बाद भी रहेगा, लेकिन उस समय में अपरिचित लोग, बाहर के लोग, उनके चाहने पर विश्वास होना ना होना तो ये जरूरी बात, लेकिन इस बात को स्वीकारना बड़ा कठिन हो जाता है कि हमको अपने ही परिवार के लोगों के चाहना पसंद है। बहुत पीड़ा होती है ना इसी बात में, लेकिन बिना चाहने के संकट की गुस्सा भी नहीं आ सकती। तो अगले वाली स्थिति क्या होता है? अपने आप से झूठ बोलते हैं। एक तरफ हम चाहने पर संज्ञा करके गुस्सा भी करते रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं, और बार बार ये भी कोशिश करते रहते हैं देख हमको आपको चाहने पर शंका भी ना हो और गुस्सा भी हो, साथ नहीं हो सकता। आपको चाहने के सामने वाले को चाहने का अगर शंका है सामने वाले के चाहने पे शंका, जैसे आप देखेंगे इस क्लास में आप बहुत सारे एक्टिविटी ऐसी करते हैं कि आपको जोर से डांटते हैं, जिस तरह की एक्टिविटी आप करते हैं कई क्लासेस में इससे पहले बहुत बुरी तरह डांटेंगे, अपमानित भी किए जाए, तो दिमाग खराब रहता है छोटे-छोटे बच्चे सवेरे 8 बजे घर से उठ के आते हैं, शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आज इतनी सारी चर्चा करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो समझना तो चाहते ही, समझना तो चाहते ही, लेकिन बीच बीच में ध्यान कहीं और चला जाता है। अब ये उनके चाहने की प्रॉब्लम है या उनकी योग्यता की प्रॉब्लम? अगर ये ध्यान कहता है कि ये उनके योग्यता की प्रॉब्लम है तो बोतल घी या बोतल किराया उसने गिराई या उससे गिर गई, उसने गिराई तो संख्या कहां से आ गया? उसके चाहने से, उससे गिर गए तो लो ये देखना पड़ेगा, पास छोटी छोटी बातों को देखना पड़ेगा। कई बार हमको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं क्या बात है, लेकिन आप जो बोलते हैं ना उसी से आपके बारे में पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या जो आप बोलते हैं उसी से अनुमान लगता है क्या सोचते हैं। और यहाँ जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से चर्चा करते हैं,
उसी से पता लगता है कि आप कितने जिम्मेदार, उसी से आपके बारे में मूल्यांकन होता है। जैसे समाज में लोगों को आप कहते हैं कि आदमी अच्छा है, यह आदमी खराब है, कैसे आपको अभी तक पिछले साल हुए या पिछले दो साल हुए 15-20 शिक्षकों ने पढ़ाया हो, आप बैठकर आपस में चर्चा तो करते होंगे ना कि ये वाला टीचर अच्छा है, ये वाला टीचर अच्छा है। ऐसे टीचर भी तो आपके बारे में बात करते होंगे कि ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे खराब है, कि बच्चों को अच्छा है तो ये बच्चे खराब करते हैं। जो जिम्मेदारी से बात करता हूँ और बताओ हमको चाहना और करना का अंतर स्पष्ट हो रहा है कि अरे आप मुझे छोटे भाई बहन है, माता पिता है, सभी लोग कई बार एक दूसरे की बड़ी बड़ी गलतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कई बार छोटी सी गलती पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि झगड़ा होना बन जाता है। ऐसा होता है क्या कारण है इसका? चाहना और योग्यता की स्पष्टता। क्या परिवार में विश्वास के बारे में चर्चा होना, चाहना और योग्यता के अंतर को स्पष्ट करना, ये जरूरी है कि इसके बिना परिवार चल सके? आप चाहते हो ठीक हो लेकिन योग्यता की कमी के कारण कर नहीं पा, आपकी योग्यता को बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी, योग्यता को बढ़ाने में सहयोग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपकी योग्यता को बढ़ाना भी जरूरी है, अगर छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान उधर उधर भटक रहा है, आप उसके रोक नहीं सुन पा रहे, तो प्रॉब्लम तो योग्यता की है, लेकिन ये समस्या किसके लिए बनने वाली है? आपके लिए। जिसको दोस्त कहते हैं उसी की योग्यता के विकास में
तो आप बैठते तो उसी के साथ है जो आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपके दोस्ती एक दूसरे के लिए हानिकारक होने ना, आप उसको डिस्टर्ब करते रहते हो, आपको डिस्टर्ब करते रहता, अल्टीमेटली दोनों का अच्छे दोस्त इससे कर सकते हैं कि 40 मिनट 45 मिनट एक दूसरे का ध्यान मुख्य बात पर बना रहे, उसमें सहयोग करते हैं, 40 मिनट बाद आप उसमें चल सकते हैं जब थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, इसमें फिर दोनों का विकास होता है। इसी तरह को लेकर किसी भी तरह दोस्ती का मतलब क्या है, एक दूसरे के विकास में सहयोग करना या एक दूसरे के विकास में बाधा पहुंचाना। लेकिन अभी जब आप इस बात पर ध्यान नहीं देते कि दूसरे के ध्यान में आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये दूसरे के ध्यान में आपके कारण डिस्टर्बेंस होता है, उसके कारण दोनों का विकास होता है। और एक बार हम बात करते हैं कि 40 बच्चे की दुनिया नहीं है, सारे बच्चे सब जगह विकास के लिए यात्रा तो सब बच्चे अटक कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो दो तरह से क्लासें चलती हैं। एक क्लास चलाने का तरीका है संबंधित, यहाँ हमारे संबंधी हैं, हमको आपकी चलाने का संख्या नहीं है, इसलिए गलतियों के बावजूद आप पर लोगों के बोल देना आपकी योग्यता को विकास करने का प्रयास, एक तरीका है। एक दूसरा तरीका है शासन की नीति, आपको नियम बता दिए कि अगले 45 मिनट 50 मिनट कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, बात करता हुआ पकड़ा गया तो पीछे बेंच पर 10 मिनट के लिए खड़ा कर, अगले 15 मिनट तक आगे खड़ा कर दिया जाएगा दीवार की तरफ, अगले 5 मिनट वो अपना एक कान पकड़ कर इधर खड़ा है। ये सब कौन से विधि है? तो मैं संबंध विधि से चलूं, आप संबंध ना महसूस करें, जिम्मेदारी से अपने तरफ से प्रस्तुत ना करें ना, तो क्या विकल्प बचता है? क्योंकि संबंध एक तरफ से चलेगा कि दोनों तरफ से? मैं तो संबंध पूर्वक चलूं, आप उसका अनुचित लाभ लेके अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करें और क्लास की व्यवस्था को डिस्टर्ब करें, क्लास की व्यवस्था को डिस्टर्ब करें तो क्या ये जिम्मेदारी तो नहीं? ऐसे में इसी कारण शिक्षकों को संबंध विधि से होकर कहाँ जाना पड़ता है? शासन विधि शिक्षक के लिए भी चीज नहीं है और अच्छा संबंध विधि एक तरह से तो चलेगा नहीं, दोनों तरह से चलेगा, दोनों तरह से चलेगा। तो जैसे आप करते हैं तो ठीक है, अगर आपको बात कर रहा है, अगर वास्तव में आप संबंध विधि करते हैं तो आपको उसके सम्मान की भी चिंता होगी कि नहीं होगी? और अगर आप उसके क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इससे उसका सम्मान हो रहा है अपमान हो रहा है? आप जिस तरह से ध्यान नहीं देते और एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं, उससे दूसरे को डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, शिक्षक के लिए भी क्या कर रहे हैं? बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों से आपका मूल्यांकन परिवार में भी और विद्यालय में भी बढ़ता जाता है, घटता रहता है। और धीरे धीरे मानव चेतना से किस चेतना में आपका काउंट होने लगता है? समस्या जब भी होती है योग्यता में होती है और हम ठीक से मूल्यांकन नहीं करते तो कहां शंका करने लगते हैं?
चार से संख्या ठीक है। आप भी भाग बता सकते हैं अभी आपको लग ही है कल हम जाएंगे तो उन्होंने जो विश्वास के बारे में बात किया चाहना और करना है तो क्या दुनिया में सभी लोग सुखी होना चाहते क्या सभी लोग एक दूसरे को सुखी भी करना चाहते तो क्या किसी के चाहने का संक्रमण किया आपके कारण तो संख्या पहुंचा रहे हैं आप
आपने कल बता दिया, मैंने सुना दिया, आज भी नहीं सुना जाएगा, लेकिन अगर कल और देखा जाएगा, अगर टाइम पर नहीं बना तो कल आपको देखना पड़ेगा, आप अपनी अपनी जगह करना पड़ेगा इस पर चलना। तो टाइम कैसे बनेगा? न्यूज पैटर्न। अब हम थोड़ी बात करेंगे इसके बारे में, सम्मान के बारे में। Thank you.
अपमान हुआ है।
काम हो गया और सबके सामने करती है, सबके सामने बात करी बड़े सबके सामने डांट पड़ेगी स्कूल में और बड़ा काम हो गया जैसा आप अपने में है वैसा जब आपका आकलन होता है तो ये क्या कहलाता है? सम्मान। इसलिए मैंने लिखा है सम्मान का मतलब सम प्लस मान, सम का मतलब सम्यक, सम्यक का मतलब ठीक ही करता है। सही सही और मान का मतलब मापना अर्थात आकलन करना, क्या निकला? सही सही आकलन करना। आप हमसे पूछ रहे हो कि ये सही है कि गलत है तो हम उस लिखे हुए का मूल्यांकन करें, जज करें। जैसा सोचते हो वैसा साक्षात हो जाए, अच्छी बात है आपके व्यवहार। लेकिन जब आप बोलते हो तो बहुत तेज आवाज में धोखे से बोल 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 बोल, इससे मेरी बात समझ में नहीं आता है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये बोलते हो कहा कि क्या है आपके व्यवहार का मूल्यांकन। अच्छा, जैसा मैंने मूल्यांकन किया आपको भी लगा कि नहीं ये ठीक है ना, तो ये आपको लगा कि आपका सम्मान है ना। और अगर आपको उसमें मूल्यांकन कर रहा हूँ वो मूल्यांकन आगे गलत हो रहा है, जैसा आप हो वैसे ही आपका मूल्यांकन चल रहा है, आपको चल दिया तो क्या हो गया आपका सम्मान। और जब उसको गलत मूल्यांकन करता हूँ आप बहुत कुछ और गलत कर दो, जैसे है ना आपके व्यवहार में कोई कमी है, मैं गलत मूल्यांकन कर दूंगा नहीं आप तो बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हो, आप जैसा कोई नहीं है, तो ये आकलन गलत हो गया। तो गलत कैसा हो गया? कम आकलन हुआ कि अधिक आकलन हुआ? अधिक आकलन की क्या है? अपमान। ये अधिक आकलन करना भी क्या हो गया? इसको अगर ठीक से देखेंगे तो जैसे किसी के घर में आप लोग भी देखते होंगे परीक्षा दिया परिणाम आया रिजल्ट आया लेके गए, कभी किसी के क्लास में ना नंबर ऊपर आ गए थे, 90% नंबर आ गया तो बाबा बहुत खुश हो जाते हैं, खुश होकर बोलते रहते हैं हमारा हमारी बेटी है रानी बिटिया है, ये तो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है। तो क्या कोई ओल्ड लड़की या कोई बच्चा जिंदगी में कुछ भी कर सकता है या कुछ निश्चित चीज नहीं कर सकता? कुछ भी कर सकता है। कैसा आकलन हो गया? अधिक आकलन।
ये स्टॉप और थोड़े से रफ्तार कम आ गए तो लाभ हो गए ये लाभ को कुछ नहीं कर सकता तो ये क्या अपमान हो तो बात आदमी तो अच्छा है उसको सही ले जैसे आप लेकर ले तो कई घरों में चलते थे ठंडे आलू की सीखियां मिल रही तो कहते देख लिया हमारी बिटिया है कुछ भी नहीं पानी में लाके खिलाती हूँ ऐसे पाकिस्तान की ना भी लेकिन खड़क से बात कर रही थी कुछ भी नहीं आपके साथ किसके किसके साथ ये तमाम हो गए तमाम किसका किसका हुआ आपने किसी को आपने जोड़ दिया है क्या? नहीं। यार इतने बार बोलते हैं किसी को लगता है नाम नहीं दिखाएगा किसी को लगता है कि आपने किसी ने उसका काम आपने किया हो? Yeah.
बहुत बहुत आपने कहे सही आवाज़ सही आवाज़